Hey guys, right now I'm in Mumbai और यहाँ का तापमान है 32 degrees Celsius. But this is not a reason why every YouTube blogger use sunglasses. जी, इधर तो देख एक बार. पलट मेरी जान. गुरु हो जा शुरू. So that was my sunglasses. थोड़ी देर पहले यहाँ पे ऐसा वेदर था कि ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश आ जाएगी, बट अचानक से धूप आ गई. सो मैंने सोचा क्यों ना आपको फील दिया जाए ये एक जुगाड़ू फिल्टर डाल के. सो गाइस, बड़े बड़े कैमराज में इस तरह जब ज़्यादा लाइट होती है तब प्रोफेशनल फिल्टर्स डाले जाते हैं, बट अगर आपके पास फ़ोन है या फिर कोई कैमरा है तो आप इस तरह का कोई भी आपका जो सनग्लासेस उसके ऊपर डालेंगे तो ये एज अ एंड फिल्टर काम करेगा. सो या गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल. टुडे वी गोना टॉक अबाउट व्हाई एवरी यूट्यूब ब्लॉगर यूज सनग्लासेस. वैसे गाइस, आज का जो व्लॉग है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आखिर तक बने रहिए. तो ये राज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हर यूट्यूब ब्लॉगर सनग्लासेस क्यों पहनता है. सुबह के 5:30 बजे और अभी मैं निकल रहा हूँ बैंगलोर के लिए. चलिए जनाब. तो बात अगर करें मुंबई का निखिल की, तो भाई का अपना अलग एक अंदाज है और भाई का अपना एक स्टाइल है. अगर आप देखोगे तो भाई के क्लोथिंग स्टाइलिंग में और एक चीज हमेशा से चेंज होती रहती है, वो है उनके सनग्लासेस. और निखिल भाई हमेशा अलग अलग तरह के सनग्लासेस ट्राई करते रहते. मेरे ख्याल से निखिल भाई के पास जितने शूज का कलेक्शन है उतना ही उनके सनग्लासेस का भी कलेक्शन रहेगा. निखिल भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर कमेंट कीजिए. मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा सनग्लासेस क्यों पहनते हो, मतलब आपका क्या रीजन है सनग्लासेस पहनने का. मुझे भी बहुत शौक है और स्पेशली यूट्यूबर्स को तो बहुत जरूरी है सनग्लासेस पहनना. और क्यों जरूरी है ये जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा. बात अगर करें कैसी नेसियत की, तो भाई मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उनके वीडियोज अगर आप देखोगे तो बहुत ही अलग तरह के होते हैं. उनके हर व्लॉग में एक अलग स्टोरी होती है. कैसी का कहना यह है कि वो हर दिन व्लॉग नहीं शूट करते, वो हर दिन एक नई फिल्म बनाते हैं. और हर एक दिन नई फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात होगी. जी हाँ, वो सिर्फ कहते नहीं, अगर आप उनके व्लॉग देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप कोई स्टोरी देख रहे हो या फिर सुन रहे हो. और उनके स्टोरीज इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि आपको देखने का बहुत मन करेगा. और मैं तो लिटरली वेट करता रहता था कि कैसी कब अपना दूसरा वीडियो डालेगा. आज हम बात कर रहे हैं सनग्लासेस के ऊपर और केसी नेस्टेड इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं. केसी नेस्टेड अलग अलग सनग्लासेस कभी ट्राई तो नहीं करते, बट मैंने उनको देखा है कि उनका ये रेबैन का इस तरह का जो सनग्लासेस है वो बहुत ही यूनिक है. अगर आप देखोगे तो उसको उन्होंने खुद से कस्टमाइज किया है. और वो सनग्लासेस क्यों पहनते हैं उसके ऊपर उन्होंने खुद का अपना अलग एक वीडियो बनाया है. और उसी के बाद मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये डाउट होगा और ये डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है. तो केसी नेस्टेड का कहना यह है कि अगर वो सनग्लासेस पहन के व्लॉग करते हैं तो व्यूअर्स का और हमारा आई कॉन्टैक्ट बहुत ही अच्छे से बना रहता है और हमें लगता है कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, बट एक्चुअल में हम आपकी तरफ नहीं स्क्रीन पे देख रहे थे. तो स्क्रीन पे जब हम देखते तो ऐसा लगता है कि हम कहीं और देख रहे हैं, और अगर हम आपकी तरफ देखने की कोशिश करें यानी कि ये जो कैमरा है इसकी तरफ हम देखें तो हम नहीं देख सकते कि स्क्रीन पे क्या हो रहा है, हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं. तो ये मेन रीज़न था केसी नेस्टेड का सनग्लासेस पहनने के पीछे. उनकी एक स्टोरी है कि वो उनका जो सनग्लासेस वो इतना यूनिक क्यों है, और वो जो सनग्लासेस वो खुद बनाते हैं अपने हाथों से. और इस तरह का जो आइडिया है वो केसी को ही आ सकता है. तो ये था मेन रीज़न केसी नेस्टेड सनग्लासेस पहनते हैं. और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर उन्होंने भी सनग्लासेस पहनना स्टार्ट किया. यहाँ देखो, यहाँ पे सारे लोग हमें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कहीं और देख रहे हैं, समझ गए. तो आप यहाँ पे देखिए.
अगर आप बात करोगे मेरी, तो मेरा भी यही रीजन है, क्योंकि आपने भी मुझे बहुत सारे वीडियोस में कमेंट किया था कि भाई घर में भी सनग्लासेस क्यों पहन रहे हो भाई, इंडोर शूट में भी सनग्लासेस क्यों पहन रहे हो। तो मेन रीजन ये है कि हमारा और आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छे से बना रहे और आपको एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिले। और अगर मैं सनग्लासेस ना पहन रही तो इस तरह का व्यू में आपको मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम नहीं देख पाते कि हम अपने वीडियो में क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं, और ब्लाइंडली करना पड़ता है, और इसीलिए हम प्रीफर करते हैं कि ये सनग्लासेस पहने और स्क्रीन पे देखे और आपसे बात करें और आपको भी ऐसा लगे हम आपसे बात कर रहे हैं। दैट इज द होल पॉइंट। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो जरूर बताओ मुझे कमेंट करके। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए रहेंगे। अगर फिर भी कुछ भी डाउट्स है तो जरूर मुझे कमेंट कीजिए, और भाई को थोड़ा सपोर्ट करो यार, थोड़ा लाइक करो, थोड़ा शेयर करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आशीष और आशीष के घर वाले खाने के लिए रुके हैं और अभी 3 बज गए, तो हमें भागना पड़ेगा।